फर्स्ट अटैम में जब नहीं हो पाता तब तो बहुत ज्यादा डाउट आता है तो आई वुड से अबाउट इट कि जो आपने जोश पहले दिन लिया था जब आपने यूपीएससी के लिए डिसाइड करा था कि मैं यूपीएससी करूंगा उस दिन भी आपको पता था ये टफ एग्जाम है तो तो मैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोगों ने अभी शुरू किया है एंड ये बात मैं उनके भी लिए भी बोलना चाहूंगी जो इस वीडियो को देखेंगे फ्यूचर में कि अक्सर जब हम यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तब तो हम बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं बट ओवर टाइम पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रीपिन होने लगता है एंड स्पेशली जब पेपर पास आता है तब तो बस डाउट सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वी ऑफन वंडरिंग कि हमारा होगा या नहीं होगा ठीक है कि वॉट अबाउट कि सम पीपल आर बेटर देन अस कुछ लोग पहले से अटैम्प्ट दे रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को ये लगता है एंड uh, जिन लोग का एक बार नहीं होता है आप लोग तो सब फ्रेशर्स हैं बट uh, हर किसी का फर्स्ट टाइम में तो नहीं होता वैसे आई विल प्रे एंड होप कि आप सबका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए दर इज़ नथिंग बेटर देन दैट बट रियलिटी है कि नहीं हो पाता तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब नहीं हो पाता तब तो बहुत ज़्यादा डाउट आता है तो आई वुड से अबाउट इट कि जो आपने जोश पहले दिन लिया था जब आपने यूपीएससी के लिए डिसाइड करा था कि मैं यूपीएससी करूंगा उस दिन भी आपको पता था ये टफ एग्जाम है तो उस जोश को अपने मन में हमेशा याद रखना जब भी आपको फ्यूचर में कभी स्ट्रगल हो सेल्फ डाउट हो आपको लगे कि पता नहीं यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ तो आप उस अपने फर्स्ट डे को याद करना कि आप कितने कॉन्फिडेंट थे उस दिन इसलिए आपने यूपीएससी डिसाइड किया अब यू सबको ही पता है कि मुश्किल एग्जाम है ऐसा तो कोई नहीं है और फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट इन योर ठीक है तो, तो उस कॉन्फिडेंट को कॉन्फिडेंस को बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं कॉन्फिडेंस के बारे में इतना क्यों बोल रही हूँ तो एक्चुअली इट मीनस अ लॉट कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं होगा मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बट कॉन्फिडेंस आप में नहीं होगा सो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम एंड दिस इज द वेरी हार्श रियलिटी यूपीएससी सिर्फ ये नहीं देखता है कि आप पढ़कर हो या नहीं पढ़कर आयो यू पी एस इज ऑल्सो सींग इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट वो जानबूझ के प्रीम्स में सौ में से सिर्फ चालीस क्वेश्चन आपकी स्टैंडर्ड किताबों में से डाल रहा है सो इट ऑल्सो नोस कि कट ऑफ जो है वो ऊंची है तो आपको कुछ क्वेश्चन तो गैस वर्क से करने पड़ेंगे सो इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन क्या होगा कि जो आपको आता है वो गलत हो जाएगा और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी नहीं रहेगी ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी एंड अगर मुझसे कोई सिंगुलर एडवाइस मांगेगा तो मैं उसको यही बोलूंगी कि प्लीज अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हो अच्छे से तो बी कॉन्फिडेंट पढ़ो पहले लेकिन उसके बाद यू शुड बी कॉन्फिडेंट दर इज नो रीजन कि आप कॉन्फिडेंट ना फील करो डोंट कंपेयर योर सेल्फ इथ अदर्स एंड जब आप एग्जाम फिर देने जाओगे तो आपको जो चीजें याद है वो आप कर पाओगे मार्क और दूसरी बात क्या होती है कि जब आप पेपर देखते हो तो कुछ चीज उस मोमेंट पे स्ट्राइक नहीं करती लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो काम हो तो क्या होगा दोबारा से जब आप आओगे उस क्वेश्चन पे फिल्म में तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा एंड अगर आप स्ट्रेस्ड हो अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आई एम श्योर कि वो नहीं आएगा आपको याद और ये ह्यूमन साइकी है इसमें आपको नई बात नहीं बता रही हूँ बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बात मीन्स पे भी और इंटरव्यू में हर स्टेज पे अप्लाई होती है तो आज से ही अभी मेरी याद रखना अगर आपको एक चीज लेनी है तो कि जब भी आपको सेल्फ डाउट हो तो प्लीज अपने ऊपर बिलीव करना उस टाइम पे सोचना कि मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपने ऊपर विश्वास रख सकता हूं दर इज नथिंग रॉन्ग विद इट